हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कहते हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया रहे ना। कि मैंने काफ़ी टाइम से एक व्लॉग या कुछ भी वीडियो पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था काम की वजह से। तो अब से थोड़ा रेगुलर वीडियो डाल लूँगा। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को थोड़ा ठीक करवाने, क्योंकि अभी कल ही मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो कुछ स्क्रैचेज वगैरह और कुछ नुकसान हुआ बाइक में, तो वो सब रिपेयर कराने जा रहा हूँ मैं। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ अपनी बाइक में। तो ये बहुत ही बेकार लग रहा है, मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा है कि पहली बार अपनी बाइक पे स्क्रैचेज वगैरह आए हैं। तो सबसे पहला स्क्रैच आया अपने स्टिकर पे, तो ये स्टिकर पूरा ख़राब हो गया है, तो ये तो पूरा निकालना पड़ेगा। बाकी टैंक पे कुछ स्क्रैचेज नहीं है, ये स्टिकर पे स्क्रैचेज है। अपना लीवर प्रोटेक्टर ये पूरा टूट गया है, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्क्रैचेज आए हैं। आप देख सकते हो ये वाले स्क्रैचेज शायद ऐसे नहीं निकलेंगे, रैप करवाना पड़ेगा। और एक हल्का सा स्क्रैच यहाँ पे आया है, बाकी थोड़ा सा ये मुड़ गया है। और जो सबसे ज़्यादा मेजर नुकसान हुआ वो हैंडल में, देखिए वो पूरा अंदर की तरफ मुड़ गया है, अंदर की तरफ पूरा धस गया है, ये बिल्कुल टंकी पे टच हो रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे स्क्रैच आए थे, और हैंडल पूरा टाइट हो गया। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है, तो उसको भी ठीक करवा लेंगे। बाकी और कोई मेजर इशू नहीं आया, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, बाइक स्लिप हो गई थी, तो आज ठीक करवाने जा रहे हैं। अब से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, तो आपको पूरे वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं छोटे मोटे अपडेट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर देता रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एमटी राइडर एजे के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, उसको जाकर फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं, और रील वगैरह वहीं पर मैं डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ। बाकी रेगुलर वीडियो आपसे आते रहेंगे, और मैं जा रहा हूँ अभी इसको ठीक करवाने। तो अभी चलता हूँ मैं चेतन भाई के वर्कशॉप पे, तो मैंने फ़ोन कर दिया था, वो अभी फ्री है, तो उसको फटाफट ठीक करवा लेते हैं। और मेरे कुछ ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी पैर में लगी है, तो वो तो सब ठीक हो जाएगा, वो कोई मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू था वो बाइक के हुआ है, क्योंकि मुझे अपने चोट का इतना दर्द नहीं हो रहा जितना स्क्रैच का हो रहा है। ये मेरे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मेरे को एकदम दिल पर घाव लग गया, बाइक पर नहीं लगा, तो इसी को आज ठीक करवाने जा रहे हैं। तो मिलता हूँ आपको चेतन भाई की वर्कशॉप पे। तो अपनी बाइक आ चुकी है वर्कशॉप पे, और अभी सीट वगैरह ओपन हो रही है, तो इसका आगे से पूरा हैंडल ऐसे खुलेगा, और ये इसमें शायद इसके है ना, ये पूरा यहाँ से ये पार्ट वगैरह ख़राब हो गया अंदर से, तो ये पूरा नया डलेगा, और सीट लग के अभी ख़राब हो गई है, वो भी डलेगी, बाइक अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, और जो जो पार्ट्स चेंज हुए वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। तो जो सबसे पहले चेंजेस हुआ वो तो हैंडल का, एक तो इसमें जो बैंड था वो अपने निकलवा लिया, एक यहाँ पे जो इसके बेयरिंग वगैरह आते हैं वो ख़राब हो गए थे, तो वो चेंज करवा लिया। ये स्क्रैच स्टिकर पे है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल देते हैं, क्योंकि पूरा ख़राब हो चुका है, बहुत ही गंदा लग रहा है। और ये स्क्रैच है ना, इसके अंदर आ चुका है, तो ये तो कुछ होने वाला नहीं है इसका। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि इसका नया पार्ट्स ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, तो इसका न्यू पार्ट्स ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि रैप बहुत कॉस्टली पड़ रहा है इसके हिसाब से, तो इसका न्यू मंगवा लेंगे ये। और बाकी इससे कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो बाइक अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, एकदम पूरे पहले वाले लुक में आ चुकी है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे।
और बाइक अपनी पूरी ठीक हो गई है, मैं भी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाऊंगा और फिर आपको एक नए अमेजिंग कंटेंट के साथ मिलूंगा। और इसके बाद में जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही ख़तरनाक आने वाला है। ख़तरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है वो एक थार की डिलीवरी होने वाली है, तो वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया तो एमटी राइडर अजय के नाम से, तो उसको फॉलो कर लो। और आपको मिलता हूँ ऐसे नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।